आज हम बनाएंगे सूखे हुए आलू की मज़ेदार सब्ज़ी, जो बरसात के दिनों में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। आलू हम 2 किलो के करीब लिए हैं और इसे हमने उबाल लिया है। हमने आलू की मात्रा ज़्यादा ली है, इसे स्टोर भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। आलू उबालने के लिए मीडियम साइज़ का ही आलू लें। तो हमने सारे आलूओं को छील लिया है, अब इसे हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीच में एक चीरा लगा देंगे और इसे पलट करके चाकू से काट लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे आलूओं को काट लेंगे। आलू को आप ज़्यादा मोटा ना ही काटें तो अच्छा है। ज़्यादा मोटा काटने से आलू जो है सब्ज़ी बनाने पर जल्दी पकती नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारे आलू को काट करके सुखा लेंगे। तो इसे हमने काट करके सुखा लिए है, इसे हम धूप में सुखाए हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये सूख चुका है। और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये लाल कलर का हो गया है। तो सूखने के बाद ये इसी कलर का हो जाता है। तो इसकी अब हम आवाज़ सुना देते हैं। अगर आलू एक दिन में नहीं सूखे तो आप 2 से 3 दिन में इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा, तब स्टोर किया जा सकता है इसे। तो इसे हम बना लेते हैं अब। तो थोड़ा सा हमने सूखे हुए आलू को एक कटोरी में रख दिया है और इसमें अब हम पानी डाल देते हैं और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो आलू बचा हुआ है इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ताकि दूसरा दिन भी सब्ज़ी बनाना हो तो इसका हम सब्ज़ी बना सकें। तो 2 से 3 घंटे हो गए हैं, आलू जो है अच्छे से फूल गया है और ये सॉफ्ट हो गया है। इसे हम तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो इसी तरीके से सारे आलू फूल करके तैयार हो गया सब्ज़ी बनाने के लिए। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है फूलने के बाद। आलू फूलने के बाद सॉफ्ट हो जाता है लेकिन बिना तोड़े ये टूटता नहीं है, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो कढ़ाई हम गर्म होने देते हैं, तब तक एक कटोरी में हम मसाले निकाल लेते हैं। मसाले पाउडर हम लेंगे, अगर आपके पास साबुत है तो आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी ले लिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। मसाले अभी हम इतना ही लेंगे, बाद में और डालेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को छोड़ देते हैं ताकि मसाले जो है अच्छे से फूल जाए पानी से। अब हम कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम तेल डाल देते हैं। तेल हमने 2 चम्मच लिया है और इसे हम गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा, तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं और इसे तड़कने देते हैं जीरा को। तो आप देख सकते हैं जीरा अच्छे से तड़क गया है। अब इसमें हम 1 बड़े साइज़ का प्याज को लंबा लंबा काट करके डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा देर के लिए भूनेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है भूनने के बाद, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे, क्योंकि प्याज को हम आलू के साथ भूनेंगे। तो प्याज जो है भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आलू को डाल देते हैं और आलू के साथ हम प्याज को भूनेंगे। आलू के साथ प्याज भूनने पर प्याज जो है अच्छे से भून जाता है और आलू को भी हम थोड़ा देर ही भूनेंगे। आलू को अभी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, चलाते हुए इसे हम थोड़ा देर के लिए भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू जो है भून चुका है। तो अब हम इसमें कूटी हुई लहसुन डाल देते हैं। अगर आप अदरक खाते हैं तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का। और इसे चलाते हुए हम अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद आलू का कलर जो है चेंज हो जाता है और प्याज का कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज और आलू अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, क्योंकि आलू जो है सूखा हुआ है। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि सूखे हुए आलू में नमक जो है पूरे अंदर तक घुलता है। तो अब इसे हम चला लिए हैं अच्छे से। अब हम इसमें ढक्कन चढ़ा देते हैं। ढक्कन चढ़ाने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आलू और प्याज अच्छे से भून गया है। इसे भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, जो हमने पानी में घोल करके मसाले को तैयार किया है। तो सारे मसाले को डाल देते हैं और इसे हम भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे।
एक कटे हुए टमाटर लंबे साइज का और चना डाल देते हैं। चना की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। खटाई के लिए हमने टमाटर डाला है और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। तो इसे अब हम थोड़ा देर के लिए भून लिए हैं, अब हम ढक्कन चढ़ा देते हैं। ढक्कन चढ़ाने के बाद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनने देते हैं। तो ढक्कन हटा लेते हैं, 2 मिनट हो गए हैं, इसे अब हम चला लेते हैं। तो मसाले जो है पूरे अच्छी तरीके से नहीं भून पाया है। मसाले भूनते हैं तभी सब्जी टेस्टी बनते हैं। तो इसे चलाने के बाद इस पर हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन चढ़ा देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। मसाले भून गए हैं तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। जिस कटोरी में हमने मसाले को लिया था उसी कटोरी में हम 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी जो है कम पड़ चुका है, इसमें हम 1/2 कटोरी और पानी डाल देते हैं। इस सब्ज़ी में थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है तो सब्ज़ी जो है अच्छे से पक जाता है। तो हमने 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं जो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा देगा। गरम मसाला डालने के बाद इसे हम चला लेते हैं और इस पर हम ढक्कन चढ़ा देते हैं और इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 10 मिनट हो गए थे तो हमने गैस को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है बन करके तैयार है। इस पर हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। सब्जी जो है ठंडे होने के बाद पानी सूख जाता है, इसलिए आप पानी ज़्यादा डालें। आलू को हम हाथों से मसल के देख लेते हैं। आलू जो है अच्छे से पक चुका है। चना को भी चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। आप देख सकते हैं चना भी अच्छे से पक चुका है। हम दूसरे आलू भी मसल करके दिखा देते हैं। आलू जो है काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अगर सब्जी की मात्रा ज़्यादा हो तो पानी की मात्रा भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है पानी ज़्यादा सोखता है। तो इसकी अब हम प्लेटिंग कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसे आप रोटी चावल पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है। धन्यवाद।